जिला स्तर पर डीपीओ और राज्य स्तर पर डायरेक्टर। जीत की शहजादियां खैरात में नहीं मिला करती, जश्नो जीत मनाना है तो अपने सर को कफन तक ले चलो, ऐसा कहना है बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला महासचिव श्रीमती शबनम झा का। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न न्यूज में। अगर आप लोग नवरत्न न्यूज को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और एक शेयर जरूर करें। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बेनीपट्टी की सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत अपने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला महासचिव शबनम झा के अध्यक्षता में बाल विकास कार्यालय बेनीपट्टी पर जोरदार धरना प्रदर्शन की, जिसको संबोधित करते हुए जिला महासचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, जिसे अब सेविका सहायिका बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला परियोजना के से लेकर राज्य भर की सभी सेविका सहायिकाओं का जीवन सरकार के गलत नीतियों के कारण दुर्व्यवहार और दुर्गति हो गई है, जिसकी इसलिए इस बार सेविका सहायिकाओं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर और तैयार है। सरकार खुद ही के द्वारा बनाए गए श्रम कानून के विपरीत सेविका सहायिकाओं को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर दिए। सरकार न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम राशि पर काम करवाती है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपने ही दल के चुनावी घोषणा पत्र में सेविका सहायिकाओं के मेहनत के फलस्वरूप महागठबंधन के रूप में सरकार बनाने में सफल हुए और सरकार बनने के 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, जिसके परिणामतः सेविका सहायकों को मजबूर होकर वादा के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन पर जाना पड़ा है। इस बार बिहार की सभी सेविका सहायिका एकजुट होकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगी और लड़ रही है। करो या मरो के नारे को साथ सेविका सहायिका अपने वाजिब मांगों के साथ मांगों में अड़ी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपना केंद्र में ताला बंद करके आंदोलन पर रहेगी और रह रही है। बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने हेतु आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सूबे के बिहार की सभी सेविका और सहायिका कमर कस ली है। 29/9/2023 से अपने चट्टानी एकता को प्रदर्शित करते हुए बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका रही है, फिर भी सरकार अपने कुंभकर्ण नींद से जाग नहीं रही है। कोई भी कार्य सेविका सहायिका सरकार की नहीं करेंगी। सरकार को अन्य राज्यों के भांति अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि तथा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह ने कहा कि सभी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 मानदेय राशि दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। सेविका सहायिका पर हो रहे शोषण और अत्याचार को असहनीय बताते हुए श्रम कानून के अनुरूप मानदेय राशि देने की मांग की और कहा कि एक तरफ सरकार नारी सुरक्षा की बात करती है, वहीं कुपोषण मुक्त बिहार व भारत बनाने का संकल्प करती है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम मजदूरी से भी कम राशि पर सेविका और सहायिकाओं से काम करवाती है। धरना प्रदर्शन को भाकपा के जिला महामंत्री मिथिलेश झा ने संबोधित करते हुए कहा कि सेविका सहायिकाओं की सभी मांगे जायज है, इसे सरकार को पूरा करना चाहिए। क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी नेता कृपानंद आजाद ने इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन भी दिया, सभी स्तर पर करने की बात कही। सभा को संरक्षण लोकनाथ झा, दीप शिखा, पिंकी कुमारी, सरिता प्रभा, विभा देवी, रीना कुमारी, पूजा कुमारी, अफरोजा खातून, अनुपमा झा, मोहम्मद नासिर, संगीता देवी, रेणु देवी, अंजू देवी, राम विलास ठाकुर, संजय महतो, गीता देवी, राधा देवी, सुधा देवी, पूनम देवी, विनीता कुमारी, राजकुमार पासवान, सबिहा प्रवीण, वानो ललिता देवी, रीता देवी, ममता देवी, बबीता देवी, रामशिला देवी,
पुतुल देवी, मनोरमा सिंह, अर्चना देवी, दिनेश राय, सरिता देवी, पूर्व सरपंच कृष्णदेव यादव, पूर्व मुखिया जय नारायण मंडल, सरिता देवी, अमोला अमोल देवी, आशा देवी, कल्पना देवी और भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सभी को संबोधित किया, सभा को संबोधित किया और सभी एकजुट कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रहे। आइए देखते हैं नवरत्न मिथिला न्यूज का ये ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार पुलिस हुई तमाम जगह पर ISP आए हुए क्वार्टर पर में बिना भ्रष्टाचार के, बिना करप्शन के, बिना घुसखोरी के कतो काल में चल रहा है। तो सबसे कमजोर आदमी के भ्रष्टाचार घोटाला आके घोटाला दिखाई पड़े है और प्रखंड से लेकर केंद्रीय सचिवालय तक जो भ्रष्टाचार थे वो भ्रष्टाचार आगे नहीं दिखाई पड़े है। इसलिए हम जेठम प्रेस प्रतिनिधि भूको भाई बहन से आग्रह करवाई कि सही बात के आशा करे छी, आशा ने विश्वास है तमाम बात के राकब और हां सबके संघर्ष लगातार जारी रहा, कोनो काज असंभव नहीं छे। संघर्ष से जाय समय में चंद्रशेखर आजाद आंदोलन के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, अस्थाकुल्ला वगैरह संघर्ष करते रहते लोग कहे ये सब पागल छे, भगवान की गुड़का गुड़का अंग्रेज के राजे करो ले पठल की ना वो सब तो हिंदुस्तान में राज करो के ले ले पूरा दुनिया के अंदर में आए अंग्रेजी साम्राज्य बात के सौ कम जो शासन करा लिया वही ना बड़ा तो भगवान के प्रदान छी। ये सब पागल सब छी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सब एक सब पुति कहीं पागल है अंग्रेज के। चंद्रशेखर आजाद कहल की इन्हीं बाकी दिमागों में भरी खुशियों के लच्छे हैं, इन्हीं बाकी दिमागों में भरी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। अगर हाँ पता मिले हमारा अगर जायज मांग के लिए संघर्ष के ना आंदोलन के ना अपना हक हकूक के लिए संघर्ष आंदोलन के ना अगर अगर पतापन हुए तो पता है सही अगर जायज मांग के लिए संघर्ष के ना हमारा मांग पूरा नहीं है जब तक हम संघर्ष जारी रहा जब तक हम मांग पूरे नहीं है। Mom,